हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बेबी को अगर दस्त की वजह से इन्फेक्शन हो गया या बार बार उसको लूज मोशन हो जाता है तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर बेबी को दस्त की वजह से इन्फेक्शन हो गया है या उसको बार बार दस्त लग जाते हैं तो आपको क्या करना है? तो आप बेबी अगर लंबे समय तक बाथरूम ना करे या उसकी आँखों का जो लीलिमा है वो गायब हो गई है, आँखें अंदर हो गई हैं, या बच्चा जो है वो एक्टिविटीज़ कम कर दे या पानी जैसे एकदम पतले 2 से 3 बार दस्त करे तो आप समझ सकते हैं कि उसको है जो पानी की कमी हो गई है। तो आप तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाइए और ORS का घोल पिलाते रहिए। ये जो फार्मूला मैं आपको यहाँ बताऊँगी ये 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ बड़े बेबी के लिए है। अगर छोटे बेबी हैं 15 से 20 दिन या 3 मंथ के हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएं, ये थोड़े बड़े बच्चों पर ही अप्लाई करें और डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें जो भी दवा देनी है। बिना पूछे आप कुछ भी दवाई बेबी को बिल्कुल बिना दें। बच्चे को आप दूसरी चीज़ का भी जैसे जो तरल पदार्थ आप वो भी पिला सकते हैं बेबी को। अगर बच्चा दूध पीता है या बार बार दूध निकाल देता है या कुछ खाता पीता नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि बेबी को जो है वो पानी की कमी हो गई है। ज़्यादातर जो दस्त है उसके इन्फेक्शन हो जाता है बेबी को, मुंह में हाथ ले लेते हैं वो बार बार, या कुछ टॉयज़ रहता है उसको मुंह में लेने लगते हैं तो इससे उनका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। दस्त जो है वो एक इन्फेक्शन, जो डॉक्टर रहते हैं उनको इन्फेक्शन रोकने की दवा देते हैं, दस्त को रोकने की कोई दवा नहीं रहती। अगर दस्त को रोकने की दवा देते हैं तो बेबी का पेट फूल सकता है या वो दूध जो भी खाता पीता है उसको उल्टी कर देता है। तो आप जो भी दवाई दें डॉक्टर से पूछ लें। और अब हम फर्स्ट है चावल का पानी, आप बेबी को चावल का पानी दे सकते हैं। चावल को एकदम बना अच्छे से पका लीजिए, उसका एक एक दाना फूटना चाहिए और उसको चम्मच या स्पून से अच्छे से मैश कर लीजिए। उसका जो गाढ़ा गाढ़ा पानी है आप वो बेबी को पिला सकते हैं। पानी आपको फीका देना है, उसमें नमक नहीं डालना है, एकदम लिक्विड फॉर्म में आपको जो है चावल का पानी देना है। सेकेंड है बनाना, आप बेबी को बनाना भी दे सकते हैं। बनाना काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है और ठंडा भी रहता है। अगर बेबी को कुछ पचता नहीं है या लूज मोशन की वजह से आप उसको हल्का ही खाना दीजिए, जो बनाना रहता है वो काफ़ी हल्का रहता है, बेबी को काफ़ी रिलीफ करवाएगा, ठंडा रहेगा। जो पेट में जलन है या उसके मरोड़े उठते हैं उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप इसकी भी पतली सी दूध में क्यूरी बना लीजिए और बेबी को थोड़ी थोड़ी देर में स्पून से दीजिए। थर्ड है नींबू शिकंजी, आप बेबी को नींबू शिकंजी दे सकते हैं या कुछ जूस भी दे सकते हैं, सादा पानी दे सकते हैं, ग्लूकोन डी भी दे सकते हैं। अगर बेबी को पानी की कमी हो गई है और लंबे समय तक बाथरूम ना करे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसे तरल पदार्थ देने हैं। और अगर पोटी करे तो आप उसको बनाना और चावल का पानी दे सकते हैं, ये दोनों ही काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अब है लास्ट है नारियल पानी, आप बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पिलाइए। आप सभी जानते हैं कि जो नारियल पानी है वो पानी की कमी को दूर करता है और जो शरीर में किसी चीज़ की कमी है उसको भी ये काफ़ी कवर करेगा। तो आप बेबी को नारियल पानी भी दे सकते हैं। अगर वो ग्लूकोन डी ना पिए तो आप नारियल पानी दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे पानी पिलाइए और तरल पदार्थ दीजिए। दूध पिलाना नहीं बंद करना है, दूध पिलाते रहना चाहिए। अब अगला है एप्पल, आप बेबी को एप्पल की क्यूरी दीजिए। ग्राइंडर में जो एप्पल है उसको बारीक फॉर्म में पीस लीजिए, एकदम पतला पतला सा, उसमें मिल्क मिलाइए और बेबी को दीजिए ताकि बेबी जो है उसमें पानी की कमी होगी वो भी दूर होगी और जो लूज मोशन है वो भी बंद हो जाएंगे। काफ़ी इफेक्टिव और अच्छा है एप्पल की क्यूरी, जो बेबी को अच्छी भी लगेगी और जल्दी पच भी जाएगी। अब लास्ट है एक दवाई बताई है यहाँ पर मैंने, उसका नाम है LD-Floxacin, आप बेबी को ये दवाई दे सकते हैं। आप जब भी दें डॉक्टर को बता लें, मैंगो फ्लेवर है, आपको मेडिकल्स पर मिल जाएगी। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट से हैं, मैंगो फ्लेवर में है, थोड़ी कड़वी है लेकिन ये जो बेबी के दस्त के इन्फेक्शन को, ये दवा काफ़ी अच्छी और इफ़ेक्टिव है। अगर बेबी को इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशन हुआ है तो ये काफ़ी रिलीफ करेगी और दस्त में भी रिलीफ करवाएगी। थैंक यू।